एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी जो है वो इस चार्ट से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे इस चार्ट से। तो सॉल्युबिलिटी जो है एस ब्लॉक की वो डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पे और हाइड्रेशन एनर्जी पे। कब हमें लैटिस एनर्जी देखनी है और कब हमें हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। तो यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, अल्कलाई मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन चार केस में लैटिस एनर्जी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर। जितने भी इसके अलावा केसेस हैं, जितने भी केस बन रहे हैं वो इस चार्ट में आएंगे, इस वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो जितने भी अल्कलाई मेटल के नाइट्रेट है या कार्बोनेट है या सल्फेट है या कुछ और है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो इस वाले पार्ट में आ जाएंगे, रेस्ट ऑल। तो यहाँ पर के क्वेश्चन में हमें सल्फेट दिए गए हैं तो सल्फेट यहाँ पर तो आ नहीं रहे, तो यहाँ पर आएंगे सल्फेट। और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी टॉप टू बॉटम जाने पर, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम जाने पर। तो ये ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का।